नाउ बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वर्ड, सॉरी secx के ऊपर। तो y इज इक्वल्स टू, जब हम लोग secx की बात करेंगे तो secx का मतलब होता है 1 अपॉन cos x। और आपको ये पता है कि जो cos x फंक्शन होता है उसका डोमेन भी r होता है और रेंज होती है -1 से +1। मतलब कि जो 1 अपॉन cos x है उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी उसी रेंज में मिलेंगी आपको जिसमें कि cos x x की वैल्यूज मिल रही थी, बिकॉज साइन और कॉस का रेंज क्योंकि एक जैसा है तो इन sec और cosec का रेंज भी एक जैसा होगा। इट मींस दैट के इनके डोमेन, इसका जो डोमेन होगा secx का वो होगा r, लेकिन आपको इसमें से वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जहां पर cos जो है वो जीरो हो जाता है, यानी कि 2n+1π/2 such that n belongs to integer, ये आपको हटाना पड़ेगा। और इसका जो रेंज मिलेगा वो मिलेगा r -1 से +1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन cos x की यानी कि sec x की कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आएंगी। -1 + 1 आएंगी लेकिन इनके बीच में कभी नहीं आएंगी, और वो क्यों होगा वो हमने डिस्कशन भी किया है थोड़ी देर पहले। तो बच्चों ये तो हो गया बच्चों इसके लिए डोमेन और इसके लिए रेंज। और आपको ये भी पता है कि ये जो फंक्शन है ये किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आगे बढ़ेगा, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, किसमें नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। आपको ये पता है कि जो cos x है वो cos x -1 से +1 वैल्यू के लिए 0 to 1 इंटरवल यूज कर लेता है, सॉरी 0 to π इंटरवल यूज कर लेता है, और इस 0 to π में वो -1 से +1 पूरा का पूरा घूम जाता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस 0 to π इंटरवल में ठीक आपको हटाना पड़ेगा -π/2, है ना, क्योंकि π/2 तो आप लिख ही नहीं सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम 0 से +π/2 की वैल्यूज लेंगे, यानी यहां पर x की जगह पे जब 0 से π/2 लिखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, वो जाएगी +1 से लेकर +∞ तक। कहां तक जाएगी, +1 से लेकर +∞ तक, बिकॉज 0 से π/2 में जो फंक्शन cos x होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर जब हम π/2 की ओर ओपन इंटरवल लगा देता हूं क्योंकि ये रख ही नहीं सकते, जब हम π/2 से बढ़ते हुए पाई की ओर जाएंगे, ठीक है ना, पाई की ओर जाएंगे तो भैया π/2 तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेगेटिव वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, और पाई तक जाते जाते वो -1 हो जाएगा, यानी पाई पर तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा -1, और जैसे ही हम π/2 की ओर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा -∞, यानी कि π/2 से पाई की ओर जाने में हमें -∞ से -1 की ओर वो secx की वैल्यूज जाती हुई नजर आएंगी। इट मींस दैट कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 to π/2 में पॉजिटिव रहता है और π/2 से पाई में नेगेटिव हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह जब हम इस इंटरवल को चेंज करके पाई से 2π लेंगे और उसमें से हटा देंगे -3π/2, तो भी जो हमारा फंक्शन है वो जो हमारी पूरी की पूरी रेंज है वो कवर हो जाएगी, यानी कि इस इंटरवल इस डोमेन के साथ भी ये पूरी की पूरी रेंज मिल जाएगी। और अगर आप -π से लेके 0 तक जाएंगे और उसमें से -π/2 हटा देंगे तो भी ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो कवर हो जाएगी। इट मींस दैट कि जब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, जब हम लोग बात करेंगे इसके ग्राफ की, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी बताऊंगा बच्चों मैं आपको। ये मान लीजिए π/2, ये मान लीजिए पाई, ये मान लीजिए 3π/2, और ये मान लीजिए पाई, ये मान लीजिए -π/2, ये मान लीजिए -π, -3π/2 और -π, राइट।
टू पाई, राइट बच्चों। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में तो कभी आनी नहीं है, और जब हम जीरो से पाई के बीच में इसकी वैल्यूज लेते हैं तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में तो इसकी वैल्यू वन से इनफाइनाइट तक जाती है, किसकी, कॉस एक्स की। मतलब कि जीरो पर इसकी वैल्यू क्योंकि वन हो जाती है, तो यहां पर जीरो पर तो इसकी वैल्यू आप वन ले लीजिए, ठीक है ना। और जब जीरो से आप पाई बाय टू तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी। किस तरह से बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी कुछ इस तरह से। अब मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं कि वो बढ़ेंगी यूं यूं, बिकॉज पाई बाय टू पे ये जीरो हो जाता है तो ये इस वैल्यू को कभी टच तो करेगा नहीं, यानी कि ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और जब आप इसकी वैल्यू को जीरो से माइनस पाई बाय टू में लेंगे, ठीक है ना, ये जीरो से माइनस पाई बाय टू के बीच में लेंगे तो माइनस पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, माइनस पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू हो जाती है फिर जीरो, और जीरो पर तो इसकी वैल्यू वन ही होती है, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन है, फोर्थ है। तो यहां पर जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ कुछ यूं बनेगा, किस तरह से, यूं, लाइक दैट, ठीक है, ये यूं बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई में इसका जो ग्राफ है वो केवल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब आप पाई बाय टू से पाई की ओर जाएंगे तो पाई पर क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाती है, और पाई से लेके जब आप पाई बाय टू तक जाते हैं तो ये नेगेटिव रहता है, तो यहां पर इसकी वैल्यूज हो जाएंगी कुछ यूं, इस तरह से। और फिर पाई से लेके थ्री पाई बाय टू पर इसकी जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी यूं, ठीक है ना, क्योंकि ना तो आपको इसकी वैल्यू पाई बाय टू पे मिलनी है और ना ही इसकी वैल्यू आपको थ्री पाई बाय टू पे मिलनी है। और जब आप थोड़ा और इस तरफ आएंगे तो आप ध्यान देंगे कि माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस पाई तक इसका जो ग्राफ है वो रहेगा नेगेटिव, बिकॉज माइनस पाई पर इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है कितनी, वो हो जाती है माइनस वन, तो इसका जो ग्राफ है वो यहां से फिर यूं जाएगा, ठीक है ना, यस, इसका ग्राफ यूं जाएगा, और माइनस थ्री पाई बाय टू पे इसका ग्राफ यूं जाएगा, बिकॉज इन दोनों वैल्यूज पर तो ये डिफाइन है ही नहीं। तो ये हुआ बच्चों इस फंक्शन का ग्राफ। और जब आप इसका ग्राफ 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में बनाने की प्रयास करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव जाएगा यूं यूं, इस तरह से, ठीक है। इट मींस दैट अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो कौन सा डोमेन है जिसमें की पूरी रेंज कवर हो जाती है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 0 से लेके पाई बाय 2 में पूरी की पूरी पॉजिटिव वैल्यूज, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट कवर हो जाता है, और पाई बाय टू से लेके पाई में पूरा माइनस वन से लेके इनफाइनाइट कवर हो जाता है माइनस, राइट। यानी कि ये जो जीरो से पाई है, ये जो जीरो से पाई है, इसमें पूरी की पूरी इस sec x की रेंज कवर हो जाती है। इट मींस दैट कि जो sec x है वो जीरो से पाई में, इसमें से आप माइनस पाई बाय सॉरी प्लस पाई बाय टू हटा दीजिए तो आपको जो रेंज है वो माइनस वन से प्लस वन, आर माइनस माइनस वन से प्लस वन मिल जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ फंक्शन sec x जो है वो वन वन ऑन टू रहेगा। आई रिपीट कि इस डोमेन के साथ में जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू रहेगा। सिमिलरली अगर आप इस रेंज को पाई से लेके टू पाई पाई से लेके टू पाई के बीच में ले लेंगे तो भी जो फंक्शन है उस रेंज में वन वन ऑन टू होगा, यानी कि पाई से टू पाई और उसमें से थ्री पाई बाय टू हटा दीजिए, इसमें भी फंक्शन वन वन ऑन टू होगा। माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस थ्री पाई बाय टू में ये जीरो से लेके माइनस पाई में भी फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, और माइनस पाई से माइनस टू पाई के बीच में भी जो है फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, राइट। तो अब जब हम लोगों को वो डोमेन इंटरवल मिल जाता है जिसमें कि हमारा sec x जो है वो वन वन ऑन टू है, तो उसी के साथ में फिर हम लोग बात करने लगते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स x की। और इस केस में इसके लिए जो डोमेन है वो तो रहेगा r माइनस माइनस वन से प्लस वन, लेकिन जो इसके लिए रेंज होगी वो होगी जीरो टू पाई,
राइट right? और इसमें से हम हटा देंगे प्लस पाई बाई टू, और इस रेंज के साथ में ये जो sec इनवर्स x है वो 1 ऑन 2 ही रहेगा, और इस रेंज को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। और इसका जो ग्राफ बनेगा इस पर्टिकुलर रेंज और डोमेन के साथ में वो बिल्कुल इसी की तरह बनने वाला है। यानी कि आप जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर तो लेंगे बच्चों क्या, यहां पर तो आप ले लेंगे पूरा का पूरा डोमेन, यानी कि ये तो, ये तो रही बच्चों माइनस वन और ये रही प्लस वन। आप यहां पर ले लीजिए पाई, यहां पर सॉरी यहां पर ले लीजिए पाई बाई टू, ये ले लीजिए पाई, यहां पर ले लीजिए माइनस पाई बाई टू, और ये रहा माइनस का पाई, ठीक है ना। और इसी तरह ऊपर की और वैल्यूज ले लीजिए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे बच्चों तो आप ध्यान से देखें, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यू लुक एट दैट, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। फिर जब आप पाई बाई टू से प्लस सॉरी जब आप पाई से लेके टू पाई के बीच में इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ फिर बनेगा इस तरह से, बिकॉज यस ये यहां से पाई बाय टू से लेके आप थ्री पाई बाय टू के बीच में जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो बनेगा कुछ इस तरह से, बिकॉज पाई पर इसकी वैल्यू माइनस वन और ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये लुक इट दैट। एंड सिमिलरली जब आप माइनस पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच में इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो भी इस नेगेटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, कुछ यूं इस तरह से, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x। और आपको जो यहाँ पर मेन चीज ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखना है कि sec इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या है, ओके okay? और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमने यहां पर जो ली है sec इनवर्स x के लिए वो 0 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 लिया है। इट मींस दैट कि sec इनवर्स x की आप कोई भी x की कोई भी वैल्यू लीजिए, अगर आपको sec इनवर्स x की वैल्यू इस इंटरवल में मिलती है या आप लेते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स कहलाएगी, जबकि उसी वैल्यू के लिए आपको इन इंटरवल्स में भी sec इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएंगी लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएंगी sec इनवर्स x की। तो प्रिंसिपल वैल्यू किस इंटरवल में मिलेगी तो उसे प्रिंसिपल कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट बच्चों। नाउ नेक्स्ट मूव टू द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot x एंड cot इनवर्स x।